शिवाजी महाराज से राजनीति पर उतारे हैं, लेकिन आपके प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूं तो आपको लगेगा मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने यदि 2.5 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव जी, क्योंकि वह मेरे ही मुख्यमंत्री थे, और योगी आदित्यनाथ जी वह भी मेरे ही मुख्यमंत्री है, जो जनता से मेरे पास शिकायतें आती है, सुझाव आते हैं, वो मैं उनके पास पहुंचाने का काम करता रहता हूं और उनको आवश्यकता के अनुसार सलाह भी देता रहता हूं। और इसलिए जितने पत्र मैंने अखिलेश यादव जी को लिखा होगा उससे 1.5 गुना ज़्यादा पत्र उससे कम समय में मैंने उनको लिखे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे कई पत्र मैंने जो योगी आदित्यनाथ जी को लिखे मुख्यमंत्री के तौर पर, उसमें से कई पर कार्यवाही हो रही है। एकदम उदाहरण मैं देना चाहूँगा तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कभी मनाया नहीं जाता था। मैंने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के नाते पत्र लिखा कि हिंदुस्तान में 21 राज्यों को अपना स्थापना दिवस है, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 है। वो इस भूमिका में है कि उसके पहले इस प्रदेश का नाम अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसके बदले में उत्तर प्रदेश ये 24 जनवरी 1950 को किया गया, वो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये जो सुझाव था वो अच्छा लगा और उन्होंने गए साल में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया। उसी प्रकार से अभी का जो निर्णय है, और वह निर्णय है प्रयागराज का। अब हजारों साल हो गए आज के उस समय के इलाहाबाद को 440 साल के पहले प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। अब इलाहाबाद के बदले में जो मूल नाम है वह देना चाहिए, इस प्रकार का सुझाव मैंने भी, जैसा मैंने मुंबई के बारे में किया था। मुंबई को पहले अंग्रेजों के दिनों में बॉम्बे कहा जाता था, हिंदी में बम्बई कहा जाता था, लेकिन मूल नाम उसका मुंबई था। तो मैंने प्रयास किए, विपक्षों के होते हुए केंद्र सरकार ने मेरा प्रस्ताव माना और वह मुंबई हो गया। उसी प्रकार से जो प्रयागराज जो है उसका नाम करना चाहिए, ये सुझाव मैंने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के नाते दिया, उन्होंने उसका स्वीकार किया। और इसलिए तुलना करना अच्छा नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो पहले से अधिक अच्छा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ।